बेलीपार पुलिस ने 5 गौवंश के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि 2 तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस को उस समय सफलता मिली जब नौसड़ चौराहे पर गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की महिंद्रा पिकअप में कुछ गौवंशी पशु को लादकर वध के लिए सहजनवा की तरफ से 4 लेन के रास्ते कुशीनगर की ओर ले जाया जा रहा है। उस पिकअप में 5 से 7 के करीब गौवंशी पशु को ठूस कर भरे हुए हैं, जिस पर पुलिस ने बाघागाड़ा के ऊपर 4 लेन पर चढ़कर पिकअप को घेर लिया, जिस पर मौका पाकर 2 गौ तस्कर भागने में सफल रहे। एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है जिसने अपना नाम चंद्रकेश यादव पुत्र नंदकिशोर यादव निवासी रुद्रबलिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर बताया। पिकअप में 5 गौवंशी पशु को पुलिस ने बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CEO बांसगांव नितेश सिंह ने बताया कि 2 फरार अभियुक्तों को गिरफ्त में लेने के लिए टीमें लगाई गई हैं, उनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CEO बांसगांव नितेश सिंह ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं SP साउथ महोदय के आदेशों के अनुक्रम में आज बेलीपार पुलिस द्वारा एक वाहन जो 5 गौवंश को ले जा रहा था उसको पकड़ के धर दबोचा, उसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, 2 भाग गए हैं जिनके पीछे टीमें लगा दी गई हैं। यह अभियुक्त कुशीनगर थाना तुर्कपट्टी का रहने वाला है, इसका नाम चंद्रकेश यादव है। अन्य की गिरफ्तारी यथाशीघ्र की जाएगी, मुकदमा संबंधित में धाराओं में इसमें पंजीकृत कर दिया गया है।